वेलकम टू बीबी न्यूज। अगर आप भी बॉलीवुड की फिल्में देखकर बड़े हुए हैं तो अभिनेता प्राण और अमरीश पुरी के वो किरदार आप सभी को याद होंगे जिनमें वो स्मगलर के किरदार करते थे, क्या खुफिया ठिकाने होते थे। और हाँ, स्मगलिंग का तरीका भी ऐसा होता था कि पुलिस भी उनका माल नहीं पकड़ पाती थी। खैर, हीरो तो हीरो होता है और इसलिए उससे कोई नहीं बच सकता। वैसे अपनी पुलिस भी किसी हीरो से कम है क्या? भले ही स्मगलर कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन उनकी हर चाल पुलिस वाले पहचान ही जाते हैं। ये दो अलग अलग घटना है और इस बात का सबूत है, ओडिशा पुलिस ने मंगलवार को मलकानगिरी में 2000 किलोग्राम से भी अधिक गांजे के साथ करीब 3 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही आपको बता दें कि एक ट्रक को भी जब्त कर लिया जिसके जरिए गांजे की तस्करी की जा रही थी। बरामद गांजे की कीमत करीब 2,25,00,000 रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। आपको बता दें, पुलिस के अनुसार गांजे से भरे 94 पैकेट ट्रक के बीच कोयले के नीचे छुपाया गया था। हालांकि शक होने पर पुलिस ने ट्रक को चित्रकोंडा के नजदीक रोका और अच्छे से तलाशी ली तो भारी मात्रा में गांजा मिला। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गांजा चित्रकोंडा से रायपुर की तरफ स्मगल किया जा रहा था। तो वही आपको बता दें कि दूसरा मामला मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जहां पर मंगलुरु कस्टम अधिकारियों ने एक यात्री के पास से करीब 293,620 ग्राम सोना जब्त किया है। शख्स केरल का रहने वाला है जो दुबई से लौट रहा था। शख्स ने सोना एक कंबल में छुपाया हुआ था। जब्त किए गए गोल्ड की कीमत लगभग 13,88,823 रुपए बताई जा रही है। स्मगलर के आइडियाज तो कमाल के थे, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई ऐसी नॉर्मल सी जगह कौन छुपाता है। वैसे आपका क्या कहना है इनकी स्मगलिंग की टेक्निक के बारे में? तो दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी तरह की खबरें पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।